महानगर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के अंग्रेजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सीमा शेखर की पुस्तक आई प्रॉमिस यू माय फादर का विमोचन एक स्थानीय होटल में किया गया। इस विमोचन में बतौर मुख्य अतिथि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नवासे डॉक्टर अशोक प्रसाद मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बी पी सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सोलंकी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी और उद्योगपति श्रवण जालान मौजूद रहे। इन सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में किताब का विमोचन किया गया। आई प्रॉमिस यू माई फादर दरअसल एक किताब नहीं बल्कि सीमा शेखर के माता पिता और उनके परिवार की कहानी है, जो वर्तमान समाज में लोगों को संबंधों की मधुरता और आपसी निकटता का एहसास कराती है। विमोचन के बाद सिटी वन से एक विशेष बातचीत में पुस्तक की लेखिका सीमा शेखर ने किताब के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया। बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग डिवाइन एनर्जी इन टू मी लाइक दैट। इट सीम्स एज इफ माई पेरेंट्स हैव कम एंड दे आर ब्लेसिंग मी। मुझे लग रहा है मैंने अपनी बात जो पापा जी की जो इच्छा थी, कहते हैं सेलेस्टाइन प्रोफेसी एक बुक में ऐसा लिखा गया है कि अगर हम किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करें तो वो चीज़ उसको पूरा करने में ब्रह्मांड भी पूरा हमारा साथ देने लगता है। आज देखिए मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी मेरे पापा की कि ये चीज़ हो, उनके लिए बायोग्राफी लिखी जाए। उनकी जीवन यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है, इतनी इंस्पायरिंग है। ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये केवल मेरे पिता नहीं है, ये सबके लिए ये इक्वल है। माता पिता सबके लिए इक्वल होते हैं। वो जो रिलेशन है, जो इतनी पवित्र ये रिश्ता है, इसको किसी तरह से मैं बयां कर पाई हूँ इस किताब में। बताइए आखिर जो पाठक हैं जी, वो इस किताब को प्रॉमिस टू माय फादर क्यों पढ़ें? वो इसलिए पढ़ें कि अगर वो जब देख रहे हैं कि आज की दुनिया में जितने मूल्य गिरते चले जा रहे हैं, इतना डिटोरेशन ऑफ वैल्यूज़ हो रहा है, तो कहीं देखें कि एक वो जीवन भी हुआ करता था, क्या खूबसूरत जीवन था।